हाय एवरीवन, पूरब द साइड इज द सेकंड एपिसोड ऑफ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स का पार्ट टू होने वाला है। लास्ट वीडियो में हमने कई सारे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स कवर किए थे, आगे जाके हम बेरिश पैटर्न्स भी पढ़ेंगे एंड आज हम बचे कुछ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स सीखेंगे। और साथ ही साथ लाइव मार्केट में कई सारे लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किए थे ऑफ द पैटर्न्स दैट दे जज्ड ऑन द मार्केट, तो मैं उन पैटर्न्स को एग्जांपल्स लेकर आपको समझाऊंगा कि लाइव मार्केट में कैसे आप ये पैटर्न्स को ढूंढ सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो और इनके साथ ट्रेड कर सकते हो। अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। तो हमारे जो कल के रिमेनिंग पैटर्न्स थे वो आज हम डिस्कस करेंगे। पहला है बुलिश हरामी, ठीक है। अब यहाँ पे नाम सुन के लोग, तुम स्टूपिडिटी स्टार्ट मत करना। बुलिश हरामी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। बुलिश हरामी में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। इन बुलिश हरामी व्हाट हैपेंस इज, एक एस्टैब्लिश्ड डाउन ट्रेंड होता है डीटी, उसके बाद क्या होगा, एक ग्रीन कैंडल, लेट्स से रेड कैंडल रहेगी, ठीक है। दिस इज अ रेड कैंडल एंड इसके बाद एक गैप अप के साथ आपको ग्रीन कैंडल दिखने मिलेगी विच विल बी कंपैरेटिवली स्मॉलर, ठीक है। एंड आफ्टर दैट देर विल बी अ रिवर्सल, रिवर्सल के चांसेस होते हैं एंड यहाँ पे से आपको एक ट्रेंड रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी मिलती है। दिस इज बुलिश हरामी। वैसे अभी मैंने किसी ने बोला लाइक प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, गगन ने कहा लाइक प्रेग्नेंट लेडी, तो दिस इज कम्प्लीटली करेक्ट। बुलिश हरामी जो होता है, एक्चुअली ये जो नाम ही है हरामी, दिस मीन्स प्रेग्नेंट। एक्चुअली ये एक जापनीज वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट, ठीक है। तो बुलिश हरामी क्या है, ये एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह दिखता है, ठीक है। वॉट हैपन्स इज, लेट्स से अगर हम एक ड्रॉ करें पैटर्न, तो इट लुक्स लाइक दिस इज द बेली, यानी ये एक पेट हो गया, एक स्टमक हो गया एंड यहाँ से मानो ये प्रेगनेंसी है। अगर अभी मुझे ब्लेम मत करना मेरे ड्रॉइंग के लिए, ड्रॉइंग बहुत ख़राब है। सो इट लुक्स लाइक एक प्रेगनेंट लेडी के पेट की तरह दिखता है, वूम की तरह दिखता है, ठीक है। दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड एज बुलिश हरामी एंड दिस इज बुलिश हरामी। समझा आपको, एक एस्टैब्लिश डाउन ट्रेंड रहेगा, डाउन ट्रेंड आएगा, उसके बाद एक रेड कैंडल आएगी। ये अभी मैंने ग्रीन बना दिया, मैं रेड कर देता हूँ उसे, ठीक है। एक रेड कैंडल आएगी कुछ इस तरीके से एंड एक गैप अप के साथ, यहाँ पे गैप अप के साथ मतलब ये गैप अप के साथ ओपन होगी हमारी ग्रीन कैंडल। गैप अप, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, गैप होना ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग देख रहे हो जहाँ पर ये क्लोज हुई है यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुई है, ये ऊपर स्टार्ट हुई है, गैप अप के साथ ओपन हुई है। दिस इज गैप अप, ये नोट कर लो। जो भी लोग सीरियसली ध्यान रख रहे हैं, गैप अप ध्यान रख लो। अब ये मैं समझाता हूँ कि किस रीज़न से आता है। व्हाट हैपन्स इज, जब भी लेट्स से कोई एक पर्टिकुलर कैंडल क्लोज होती है, लेट्स से एक सेशन या फिर एक पर्टिकुलर टाइम क्लोज हुआ है एंड एज सून एज दिस पर्टिकुलर कैंडल क्लोजेज, मानो आपने जो कैंडल क्लोज हुई लेट्स से 5:01 पे, 5:01 पे हमारी ये कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, 5:01:00। अब आपको पता है मिली सेकेंड्स भी होते हैं, राइट। तो 5:01 एंड 0 मिली सेकेंड्स पे हमारी ये क्लोज हुई एंड जो नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हुई वो एग्जैक्टली एकदम से स्टार्ट नहीं होती है ना, दो चार मिली सेकेंड्स का या 5-10 मिली सेकेंड्स का डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पर एक उतने सेकेंड्स के अंदर उतना बड़ा प्रेशर आ जाता है, मतलब मिली सेकेंड्स के अंदर, लाइक 1/60 of the second, ठीक है। एक सेकेंड को भी आप 50 पार्ट्स में या 60 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, तो उस पर्टिकुलर टाइम में जब एक मूवमेंट आ जाता है तब एक गैप अप क्रिएट हो जाता है। और यूजुअली मार्केट में, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें या फिर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले हमारे मार्केट है, जो भी मार्केट कंडीशंस है, उसमें जब एक पर्टिकुलर डे क्लोज होता है, डे या फिर ट्रेडिंग सेशन क्लोज होता है, मानो आज का दिन था, लेट्स से आज की तारीख है 29 को हमारा दिन खत्म हुआ। अब जो आफ्टर मार्केट रहता है और प्रायर मार्केट आवर्स रहता है, उसमें जो भी मूवमेंट क्रिएट हुई, उसके बाद जब मार्केट 30 को खुलता है ना, तो वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे खुलेगा। वो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सेम प्राइस पे ओपन हो। आपने देखा होगा हमेशा, अगर आपने किसी ने भी स्टॉक मार्केट में थोड़ा भी एक्सपीरियंस देखा है या फिर आपने वहाँ पर एक देखा होगा क्लोजिंग प्राइस एंड ओपनिंग प्राइस, ओपन प्राइस एंड क्लोज प्राइस लिखा होता है। तो मार्केट कभी कभी 100 रुपये पे क्लोज होगा, क्लोज कभी कभी 100 पे होता है एंड अगर होता है ओपन हो सकता है 101 पे हो सकता है या फिर 99 पे हो सकता है। ये जो छोटा सा डिफरेंस आता है, दिस हैपन्स ड्यू टू द डिफरेंस इन पर्टिकुलर आफ्टर मार्केट आवर्स एंड प्रायर मार्केट आवर्स, जो मार्केट के पहले प्री ओपनिंग सेशन जो होता है, ओपन होने से पहले वाला सेशन और आफ्टर मार्केट आवर्स के अंदर जो डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट होता है उससे ये होता है, सिंपल। नेक्स्ट जो हमारी ड्राइंग है, नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न है, दैट इज गोइंग टू बी ट्वीज़र बॉटम। ये एग्जैक्टली क्या है, एक पर्टिकुलर एस्टैब्लिश्ड डाउन ट्रेंड है। आप लोग देख रहे होंगे एक डाउन ट्रेंड है, एस्टैब्लिश्ड डाउन ट्रेंड के बाद एक रेड कैंडल आती है जो कि एक बड़ा डाउनवर्ड मूवमेंट आती है। तो यहाँ से ये मार्केट आया, फिर यहाँ पर एक रेड कैंडल स्टार्ट हुई, यहाँ पर नीचे जाकर वो क्लोज हुई एंड उसके ही बाद एग्जैक्टली जहाँ पर वो क्लोज हुई है वहीं पर एक ग्रीन कैंडल क्रिएट होती है
जो कि एक बड़े मूवमेंट के साथ ऊपर आती है। दिस इज कॉल्ड अ ट्वीजर बॉटम पैटर्न। ठीक है, एग्जैक्टली आप देख सकते हो बॉटम एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, सो दिस इज द बॉटम, बॉटम एग्जैक्टली सेम रहेगा एंड जो मूवमेंट है वो एक अपवर्ड अच्छा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट रहेगा। यस और नो, गॉट इट? तो बेसिकली व्हाट इज गोना हैपन इज ये यहाँ से आएगा नीचे, दिस इज अ डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड आया, फिर एक हमारी रेड कैंडल आई जो कि एक बड़े मूवमेंट के साथ या फिर एक वॉल्यूम के साथ नीचे आई। वॉल्यूम के साथ रेड कैंडल आने के बाद सेम लेवल पे सेम लाइन पे हमारी ग्रीन कैंडल क्रिएट हुई एंड वो भी वॉल्यूम के साथ ऊपर गई। ठीक है, वॉल्यूम के साथ ऊपर गई। दिस इज ट्वीजर बॉटम, बॉटम्स एग्जैक्टली शुड मैच, ये चीज नोट कर लो, बॉटम्स शुड मैच। वो तो यूजुअली बॉटम्स मैच करते ही है बट दो बड़े वॉल्यूम्स के साथ। आपने देखा होगा कभी कभी मार्केट एकदम बड़ी रेड कैंडल देता है और फिर एग्जैक्टली उसी के बाद सेम साइज के साथ एक बड़ी ग्रीन कैंडल आती है, सेम साइज के साथ या फिर उससे बड़े साइज के साथ। व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स इज ये जो बड़े करेक्शंस होते हैं ना, ये फिर एक पर्टिकुलर कवर अप कैंडल के साथ आते हैं। कभी ग्रीन कैंडल आएगी एकदम बड़ी, एकदम से एक ग्रीन कैंडल आ जाएगी बिना कोई रीजन के एंड अगले ही मिनट में सेम साइज के साथ या फिर उससे थोड़ी बड़ी या छोटे साइज के साथ एक रेड कैंडल आ जाएगी। दिस आर ट्वीजर बॉटम पैटर्न्स। ठीक है, ये ट्वीजर बॉटम पैटर्न्स होते हैं, समझ गया? अब हमारे कौन कौन से पैटर्न्स हो गए, हमने कंप्लीट कर लिया बुलिश हरामी, वी हैव कंप्लीटेड ट्वीजर बॉटम एंड अब हम जाएंगे थ्री व्हाइट सोल्जर्स की तरफ। थ्री व्हाइट सोल्जर्स बहुत ज्यादा सिंपल है पढ़ने में, हम इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे बट आप लोगों को कुछ चीजें मैं बताऊंगा। थ्री व्हाइट सोल्जर्स बेसिकली, एक फिर से आप लोगों को ये चीज ध्यान देनी है, थ्री व्हाइट सोल्जर्स जो है ये भी मैं आपको शॉर्ट टर्म रिवर्सल पैटर्न्स बता रहा हूं। ठीक है, ये रिवर्सल, ये चीज ध्यान रखो, ये रिवर्सल के लिए हम देख रहे हैं। थ्री व्हाइट सोल्जर्स जो है रिवर्सल पैटर्न के लिए देख रहे हैं। ठीक है, अभी हम बुलिश देख रहे हैं, सेम इसका उल्टा जो होता है वो होगा यू नो रेड के लिए यानी बेरिश के लिए होगा। अभी मैं आप लोगों को थ्री व्हाइट सोल्जर्स भी बता देता हूँ, तो एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत से लोग इसमें क्या गलती करेंगे कि कंटिन्यूस ऑलरेडी अप ट्रेंड रहेगा, लेट्स से एक कंटिन्यूस ऑलरेडी अप ट्रेंड है, यहाँ से अप ट्रेंड रहेगा, यहाँ पे उनको एक दो तीन रेड कैंडल्स दिखेगी, वो सोचेंगे कि अभी ये तो यार थ्री व्हाइट सोल्जर्स हो गया, ये थ्री व्हाइट सोल्जर्स है, यहाँ से अप जाएगा मार्केट करके, यहाँ से मैं अप ट्रेड ले सकता हूँ करके। बट नो, आपको ध्यान देना है, कभी कभी मार्केट एक रैली में रहता है, कभी कभी हो सकता है एक दो तीन यहाँ से चार यहाँ से पाँच, हो सकता है कभी कभी पाँच छः सेम कैंडल्स रेड ग्रीन बन जाए, और हो सकता है आपने क्या देखा यहाँ पे पाँच लेट्स से और एक दिख गई आपको, और एक लेट्स से छः ग्रीन कैंडल्स आ गई। अब मुझे बताओ कि मार्केट में अब क्या होने वाला है? ओके, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वी डोंट नो, हमने सिर्फ इतना देखा है। ठीक है, हमने सिर्फ इतना देखा है चार्ट में, इसके पहले क्या था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था नहीं था, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा था, हो सकता है यहाँ पे पैटर्न बन रहा हो जहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला हो, हो सकता है ये कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड था जो कि एक रिट्रेसमेंट हो सकता है, एक रिट्रेसमेंट हो सकता है, या फिर हो सकता है ये कंटिन्यूअस अप ट्रेंड हो, एक बढ़िया सा लंबा अप ट्रेंड हो, तो होने के लिए एनी थिंग कैन हैपन फ्रॉम हियर, येस और नो? तो हम यहाँ पर बोल नहीं सकते एग्जैक्टली वॉट इज गोना हैपन। सो वॉट अ लॉट ऑफ पीपल डू इज यहाँ पे वो सोच रहे हैं कि अरे यहाँ पे तो थ्री व्हाइट सोल्जर्स हमें दिख रहे हैं, यहाँ पे तीन कैंडल्स है जो कि ग्रीन है, तो ये थ्री व्हाइट सोल्जर्स है, ऐसा वो बोलेंगे। नहीं, दिस इज नॉट इट, दिस इज नॉट थ्री व्हाइट सोल्जर्स। थ्री व्हाइट सोल्जर्स क्या होते हैं आप लोगों के सामने, अब मैं बताता हूँ, ये नोट कर लो। अब इसके बाद थ्री व्हाइट सोल्जर्स जो होते हैं, दिस आर बेसिकली एक पहले तो एस्टैब्लिश डाउन ट्रेंड रहेगा, उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है, जिसके बाद मार्केट नीचे आने के बाद व्हाट हैपेंड इज यहाँ पे तीन कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स मिले हमें एक मूवमेंट के साथ, मोमेंटम के साथ, वॉल्यूम के साथ। ठीक है, दिस आर नाउ व्हाट आर कॉल्ड एज थ्री व्हाइट सोल्जर्स। ये जो होते हैं दिस आर थ्री व्हाइट सोल्जर्स। एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड के बाद, एक डाउन ट्रेंड के बाद एक डीटी आया, दैट इज डाउन ट्रेंड, जिसके बाद एकदम से तीन सिमिलर लुकिंग, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, थ्री व्हाइट सोल्जर्स जो है सिमिलर लुकिंग होने चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा, सिमिलर लुकिंग होने चाहिए, मैं बता देता हूं कैसा नहीं चलेगा। दिस देन दिस देन लेट्स से दिस, दिस आर नॉट थ्री व्हाइट सोल्जर्स, आप लोगों को दिख रहा है? अगर यहां से डाउन ट्रेंड भी आ रहा है तो दिस आर नॉट थ्री व्हाइट सोल्जर्स, समझा? यस और नो? थ्री व्हाइट सोल्जर्स आर सिमिलर लुकिंग, वो तीनों एक तरह के कैंडल्स होते हैं, एक टाइप के होते हैं। ठीक है, तो वो एक तो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ रहेंगे तीनों, ठीक है, कुछ ऐसे, हो सकता है एक में विक हो, एक में ना हो, दूसरे में विक हो, तीसरे में ना हो, ऐसा पॉसिबल है कि छोटा मोटा विक हो, बट आप देख सकते हो तीनों ही सिमिलर कैंडल्स है, सिमिलर है, सेम नहीं बट सिमिलर है,
येस और नो, सिमिलर है बट दिस आर नॉट सिमिलर. ये तीनों ही कैंडल्स एकदम अलग है. तो अगर एक डाउन ट्रेंड के बाद, लेट्स से एक पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड है जो कि एस्टैब्लिश डाउन ट्रेंड है, जिसके बाद आपको तीन अलग टाइप के, एकदम ही अलग अलग टाइप के ग्रीन कैंडल्स दिख रहे हैं. मानो एक दिखा आपको डोजी, फिर उसके बाद एक लेट्स से हैमर दिख गया, फिर एक ड्रैगन फ्लाई दिख गया, एंड लेट्स से यहाँ पे एक बड़ा ग्रीन कैंडल दिख गया जिसमें एक बहुत बड़ा डाउन में विक है ऐसा. ठीक है, दिस आर ऑल डिफरेंट कैंडल्स. ये एक दो तीन, तीनों ही कैंडल्स डिफरेंट है. इस वजह से हमें सिमिलर लुकिंग, नॉट एग्जैक्टली सेम बट सिमिलर लुकिंग, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, या फिर लेट्स से कुछ इस तरह से, एंड देन दिस एंड देन दिस. ठीक है, सिमिलर लुकिंग, कुछ टाइप के सिमिलरिटी होनी चाहिए, थोड़े बहुत सिमिलर दिखने चाहिए. अब मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट अगेन. वन लेट्स से टू थोड़ी छोटी आई, बट फिर से थ्री बड़ी आई. ठीक है, तो भले ये थोड़े थोड़े अलग है बट दिस आर सिमिलर लुकिंग, जो कि एक टाइप के है. ठीक है, सिंपल इनफ, सिंपल इनफ, सिंपल इनफ, येस और नो, गॉट इट. अभी हमारा जो नेक्स्ट है, दैट इज लास्ट जो बचा है, दिस इज कॉल्ड एज बुलिश बेल्ट होल्ड. ठीक है, बेल्ट, बेल्ट वाला जिससे हमने मार खाई है बचपन में. ठीक है, सो दिस इज बुलिश बेल्ट होल्ड. अब इसमें व्हाट इज गोना हैपन इज, हमने हरामी में क्या देखा, व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स हरामी में, व्हाट हैपन्स इज एक रेड कैंडल आती है. ठीक है, बुलिश हरामी पैटर्न में एक रेड कैंडल आती है कुछ इस तरीके से डाउन ट्रेंड के बाद, एंड उसके बाद एक गैप अप के साथ हमारी ग्रीन कैंडल क्रिएट होती है. ठीक है, इसमें एग्जैक्टली उल्टा होगा. ठीक है, इसमें बाकी आपका डाउन ट्रेंड सेम रहेगा, बाकी चीज़ें सारी सेम रहेगी. व्हाट इज गोना हैपन इज, इसमें एक डाउनवर्ड मूवमेंट आया जिसके बाद एक छोटी रेड कैंडल आएगी. ठीक है, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, इस तरह से कुछ आएगी. देन आफ्टर दैट एक बड़े गैप डाउन के साथ, एक गैप डाउन के साथ एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी. ठीक है, विच विल बी अ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट कैंडल. ठीक है, ये गैप डाउन के साथ फॉर्म होगी, आप देख सकते हो, दिस इज अ गैप डाउन. गैप डाउन के साथ ये हमारी कैंडल फॉर्म होगी, एंड दिस लीड्स टू एन अपवर्ड रिवर्सल पैटर्न. शॉर्ट टर्म रिवर्सल पैटर्न है ये कैंडल सिक्स में, एंड दैट इज अबाउट ऑल इन टर्म्स ऑफ बुलिश बेल्ट होल्ड. ये भी नाम याद रखना, बुलिश बेल्ट होल्ड. इसमें क्या होगा, एक डाउन ट्रेंड आएगा. मैं फिर से और अच्छे से समझा देता हूँ. डाउन ट्रेंड, एक एस्टैब्लिश्ड डीटी, ठीक है, एक एस्टैब्लिश्ड डीटी आएगा जिसके बाद एक रेड कैंडल आएगी समथिंग लाइक दिस. उसके बाद एक डाउन ट्रेंड आने के बाद एक ग्रीन कैंडल आएगी. ठीक है, एक ग्रीन कैंडल आएगी विच विल यू नो स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बॉटम. वो बॉटम में एक गैप डाउन के साथ स्टार्ट होगी. ये गैप डाउन है, आप लोगों को दिख रहा है, ये गैप है, यहाँ पर गैप डाउन के साथ स्टार्ट होगी एंड एक बड़े अपवर्ड मूवमेंट के साथ आगे बढ़ेगी. दिस इंडिकेट्स बाइंग प्रेशर, दिस इंडिकेट्स अ शिफ्ट ऑफ प्रेशर फ्रॉम सेलिंग, जहाँ पे लगातार एक डाउन ट्रेंड आ रहा था. ठीक है, एक लगातार, मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ. ठीक है, यहाँ पे एक लगातार डाउन ट्रेंड आ रहा था, यहाँ पर एक रेड कैंडल आ रही थी, और दिस इंडिकेट्स कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेशर आया अपवर्ड मूवमेंट में. दिस इंडिकेट्स कि अब जो प्रेशर है, बाइंग प्रेशर आ रहा है. ठीक है, पहले जो कैंडल्स में लगातार डीटी आ रहा था, लगातार डाउन ट्रेंड था, इतने देर से सेलर्स प्रेशर पकड़ रहे थे, या फिर सेलर्स जो है पावरफुल थे. ठीक है, सेलर्स जो है देवर मोर पावरफुल, सेलर्स के पास पावर थी. अब इतने बड़े ग्रीन कैंडल के साथ बायर्स ने पावर ले ली है. ठीक है, बायर्स ने मोमेंटम ले लिया है, बायर्स ने मोमेंटम ले लिया है और पावर भी ले लिया. गॉट इट, सिंपल. जो आज के लिए हम चीज़ें सीखने वाले थे वो यहीं पर स्टॉप होगी, बट कुछ चीज़ें और होने वाली है. अभी और कुछ चीज़ें बाकी है जो कि मैं आपको अभी समझा देता हूँ. ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, कि कल जो हमने पैटर्न सीखे थे आज वो हम चार्ट्स पे देखेंगे. तो आज हमने क्या क्या सीखा है, बुलिश हरामी, ट्वीज अ बॉटम, देन हमने सीखा है थ्री वाइट सोल्जर्स, देन वी हैव लर्नड बुलिश बेल्ट होल्ड. ये सारे ही बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स थे, बुलिश कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न्स. ये थे हमारे आज के पढ़े हुए पैटर्न्स. अब आप लोग ये सारी चीज़ें नोट कर लो. अभी इसके बाद मैं सीधा आपके सामने एग्जाम्पल्स लूँगा जो हमने पैटर्न्स कल सीखे थे. हाँ सर, बोलिए. हाँ सर, मेरा डाउट ये है कि सर कभी कभी पैटर्न्स तो राइट हो जाते हैं लेकिन
दो तीन कैंडल वो डायरेक्शन में जाती है, फिर मालूम रहता है कि फेक आउट हो जाता है। मैंने जैसे कि आप लोगों को कल ही समझाया था, आज की जो जो भी हमने आज और कल में पैटर्न सीखे हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ये 100% सही नहीं होते। और दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था, कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बेसिस पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, कैंडलस्टिक पैटर्न को एज कन्फर्मेशन यूज़ करना है। मतलब आप कोई एक पर्टिकुलर कैंडलस्टिक यू नो पर्टिकुलर चार्ट देख रहे हो, पर्टिकुलर एनालिसिस लगा रहे हो, मानो आप कोई ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हो या फिर सपोर्ट लेवल पे रेजिस्टेंस लेवल पे कहीं ना कहीं ट्रेड ले रहे हो, उसके साथ एज अ कन्फर्मेशन से एक सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल पे कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड आया, आपको सपोर्ट, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके साथ साथ आपको एक हैमर कैंडल दिख गई जो कि आखिरी सपोर्ट पे थी एंड उसके बाद मार्केट ने रिवर्स लेना स्टार्ट किया। तो दिस कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, जो भी पढ़ा रहा हूं, यूज दिस एज कन्फर्मेशंस। ओके, उज्जवल का सवाल है और उज्जवल के भी सवाल का मैं आंसर दे देता हूं। मैं बोलना चाहता हूं कि ट्वीजर बॉटम जो है, हां, मार्केट में जहां भी होता है वहां से मैं समझ सकता हूं ये पुल बैक है वा। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको कैसे क्या समझाया अभी, ये आपको पैटर्न्स एज कन्फर्मेशन यूज करना है। रुको मैं फिर से दिखा देता हूँ। लेट्स से एक पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, लेट्स से एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और लेट्स से कोई भी एक पर्टिकुलर मूवमेंट चल रहा है, मानो एक इस तरह से एक जोन के अंदर हमारा चार्ट मूव कर रहा है, डाउन 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 देन अप देन डाउन 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 अप डाउन, फिर यहाँ पर आकर मानो आपको यहाँ पर लेट्स से आप कन्फ्यूज्ड हो या फिर आप कुछ भी श्योर नहीं हो या फिर व्हाट इज गोना हैपन नेक्स्ट, यहाँ पे आपको एक कैंडल दिखती है रेड, उसके बाद आपको सेम जगह पर सेम ट्वीज़र बॉटम कैंडल से एक पैटर्न दिखती है, ठीक है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल दिखती है, ठीक है, ट्वीज़र बॉटम है एंड दिस इज लेट्स से आपको एक कन्फर्मेशन मिल गया कि यहाँ से मार्केट अपवर्ड मूव करेगा। अगर आपको ये कहीं भी दिखती है, मानो फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर दिखती है, ठीक है, ट्वीज़र बॉटम आपको यहाँ पर दिखती है, ठीक है, लेट्स से यहाँ पर आपको दिखती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ब्रेकआउट देने ही वाला है, बट व्हाट इट मींस इज कि आपको ये एक एडिशनल बता रहा है कि यहाँ से एक ये पॉसिबिलिटी है, यहाँ से ये पॉसिबिलिटी बता रहा है कि मार्केट अब जा सकता है, यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या बता रहा है कि यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है, ये जो लेवल है ऊपर वाली लेवल ब्रेक करने वाला है करके, यू नो, इनके सिंगल बेसिस पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, इनको एज अ कन्फर्मेशन या फिर एज अ प्लस यूज करना है। लेट्स से मार्केट में आप लेट्स से एक सिंपल करते हैं ना, ये इससे भी सिंपल करते हैं, जो अभी तक के हमने सीखा है उसके बेसिस पे करते हैं। मानो आपने एक फ्लैग पैटर्न देखा, ठीक है, ये एक मार्केट है, फिर उसके बाद फ्लैग के अंदर गया, हमने जो बुलिश फ्लैग्स पढ़े थे, ठीक है, यहाँ पर फ्लैग के अंदर गया, उसके बाद आप नीचे आया, अब आपको लगा ये फ्लैग टूटने वाला है, क्या करके फ्लैग टूटने वाला है, मेरा पैटर्न सही नहीं होगा या फिर मुझे यहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, बट यहाँ पर आपको व्हाट यू सॉ इज एक रेड कैंडल और उसके बाद उसके साथ आपको ट्वीज़र बॉटम की दो कैंडल्स मिल गई, मतलब सेम लेवल के साथ स्टार्ट होकर, ये बड़ी भी हो सकती है, थोड़ी छोटी भी हो सकती है इससे, ठीक है, दिस इज़ वॉट ट्वीज़र बॉटम कैंडल विल लुक लाइक। आपको ट्विज़र बॉटम मिल गया, मतलब यू न्यू कि ये कंटिन्यू करेगा, दैट इज़ वॉट इट इज़, ठीक है, ये आपको कन्फर्मेशंस दे रहा है, एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड है लेट्स से, और एक और उसमें एक शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट आया, शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड आया, ठीक है, ये एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड है, जिसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे ट्विज़र बॉटम आया, तो यहाँ पे आप अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो। दिस इज़ वॉट दिस कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर ऑल अबाउट। इट्स नॉट कि आप सिंगल बेसिस पे ट्रेड लोगे, ठीक है, इट्स नॉट कि आपको ये पैटर्न दिख गया, मानो ये एक लेट्स से एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद आपने देखा कि बस एक ट्विज़र आ गया तो आप तुरंत ट्रेड लेने वाले, दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि मार्केट वहाँ से नीचे मूव कर सकता है। यू हैव टू कीप इन माइंड कि वहाँ पे और कुछ, आपको एक और कन्फर्मेशन होना चाहिए, ठीक है, एक और चीज़ होनी चाहिए, सपोर्ट लेवल हो सकता है, रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, चार्ट पैटर्न हो सकता है, ब्रेकआउट पैटर्न हो सकता है, अभी तक के हमने जितनी चीज़ें सीखी है वो हो सकता है, या फिर हो सकता है दो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको एक साथ दिख जाए, या फिर हो सकता है ट्रेंड ही गलत हो, या फिर हो सकता है लेट्स से एक चॉपी मार्केट है, एकदम चॉपी मार्केट है, एक ग्रीन बन रही है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, एक चॉपी मार्केट है मानो, ठीक है, एक ग्रीन बन रही है, एक रेड बन रही है, फिर उसके बाद एक और ग्रीन बन रही है, फिर उसके बाद रेड बन रही है मानो, उसके बाद फिर से एक ग्रीन आ गई यहाँ पे, लेट्स से उसके बाद फिर से एक रेड आ गई। ये मार्केट कोई पर्टिकुलर ट्रेंड में दिख रहा है क्या आपको? अभी कोई एक पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं है। अब आप बोलोगे कि ये जो है ये रेड कैंडल आई, इसके बाद मुझे ये जो कैंडल आई हमारी आखिरी वाली, ठीक है, लेट्स से ये यहाँ से स्टार्ट हुई एंड ये यहाँ पे जाके एंड हो गई, ठीक है, तो ये भी ट्विज़र बॉटम कैंडल है, क्योंकि आप देख सकते हो सेम बॉटम से स्टार्ट हुई है एंड एक अपवर्ड मूवमेंट दिया है, बट इसका मतलब ये नहीं है ना यहाँ से मार्केट अपवर्ड जाएगा। ये कब वर्क करेगा? जब एक डाउन ट्रेंड आता है, ठीक है,
तब ये आपको पॉसिबिलिटी बता रहा है कि एक मार्केट अपवर्ड जाने के चांस है। आपको इसके साथ एक और कंफर्मेशन होनी चाहिए, मानो कोई लेवल हो गया या फिर आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न दिख गया, कोई भी एक पैटर्न है, मानो हमने ब्रेकआउट पैटर्न्स पढ़े हैं, वो पैटर्न्स हो सकते हैं, चार्ट पैटर्न्स हो सकते हैं, इसमें से कोई ना कोई एक चीज़ दिखनी चाहिए तब जाकर हम बोल सकते हैं। बट यहाँ से हम कह नहीं सकते ना कि ट्विजर बॉटम दिख गया, ये ट्विजर बॉटम टाइप दिख रहा है, पर ये ट्विजर बॉटम कब होगा, जब एक डाउन ट्रेंड रहेगा, ठीक है। ट्विजर बॉटम ये तभी कहलाएगा जब एक डाउन ट्रेंड के बाद आएगा। आप ये चीज़ ध्यान रखो कि मैंने जो भी पैटर्न्स बताया उसमें जो पहली वाली कंडीशंस है, जो डाउन ट्रेंड हो गया या फिर अप ट्रेंड हो गया, तभी जाकर वो एक पर्टिकुलर पैटर्न कहलाएगा। ये पैटर्न ट्विजर पैटर्न नहीं कहलाएगा अगर साइडवेज मार्केट में आता है तो। येस और नो, गॉट इट? सिंपल इनफ, ठीक है। मैं आप लोगों के होमवर्क्स ओपन करता हूँ एंड आप लोगों के सामने अभी शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने कौन सा पैटर्न भेजा, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, इन्होंने ये जो भेजा था, ये भेजा था हैमर के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो एक हैमर आपको दिख रहा है, ठीक है। उनको एक डाउन ट्रेंड दिखा जिसके बाद उनको हैमर दिखा और उन्होंने मुझे ये आइडेंटिफाई करके बताया कि एक हैमर दिख रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर छोटा मोटा आपको एक पर्टिकुलर ये भी दिख जाता था, मॉर्निंग स्टार पैटर्न, बट इसे हम पूरी तरह से मॉर्निंग स्टार नहीं कहेंगे बिकॉज, बट येस दिस इज टाइप ऑफ अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न एज वेल, ये भी एक मॉर्निंग स्टार की तरह ही हो गया है। बट येस यू हैव टू कीप इन माइंड कि उन्होंने जो मुझे भेजा था, भेजने का रीज़न था क्या, हैमर पैटर्न यहाँ पर दिखा था जिसके बाद उन्होंने मुझे कन्फर्मेशन दिया कि अपवर्ड मूवमेंट आया है करके, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट होमवर्क सबमिटेड। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर W पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, W पैटर्न दिख रहा है करके, ठीक है। दिस इज W कह रहे हैं, बट दिस इज ओनली एप्लीकेबल अगर पीछे से ये नीचे इस तरह से आया होगा तो, ठीक है। अगर पीछे ये मूवमेंट नहीं होगा तो ये W नहीं बनेगा, ठीक है, W नहीं कहला जाएगा। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पीछे अगर ये अपवर्ड, ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड अगर यहाँ से नहीं होगा तो फिर ये W नहीं कहलाएगा। गॉट डेट? नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये किस चीज़ के लिए भेजा होगा, ये किस चीज़ के लिए भेजा है, ये बताइए जल्दी से। एक चीज़ ध्यान रखो यार, आपको हमेशा ध्यान रखना है, मुझे पहले का भी आपको मूवमेंट बताना होगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। बट यस, यहाँ पर एक डाउनवर्ड मूवमेंट आया जिसके बाद इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम एंड यहाँ से आप देख सकते हो एक डबल बॉटम के साथ इसने अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट किया। तो जिसने भी ये सबमिट किया, गुड जॉब, ठीक है, गुड जॉब। नेक्स्ट अब हम देखते हैं किसका था। दिस इज 3 लाइन स्ट्राइक उन्होंने मेंशन किया है। अब आप लोग मुझे बताओ ये 3 लाइन स्ट्राइक है या नहीं है, अप ट्रेंड में होना चाहिए। 3 लाइन स्ट्राइक कब वर्क करता है, जब एक अप ट्रेंड हो उसके बाद 3 कैंडल्स आए, 1, 2, 3 एंड उसके बाद एक रेड कैंडल आती है, लेट्स से एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेड कैंडल आती है एंड उसके बाद जो अगली कैंडल आती है, ठीक है। मैंने क्या कहा आपको, लोगों को बताया, आपको बताया कि यहाँ पर हमारा 3 लाइन स्ट्राइक कंप्लीट नहीं हुआ, हमारा 3 लाइन स्ट्राइक कंप्लीट होगा इसके बाद, ठीक है। और 3 लाइन स्ट्राइक की जो सेकंड कैंडल, लास्ट कैंडल आएगी, वो भी एक मोमेंटम के साथ आएगी, एटलीस्ट 50% कवर करना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट 3 लाइन स्ट्राइक विल बी। तो 3 लाइन स्ट्राइक भी नोट कर लो, दिस इज 3 लाइन स्ट्राइक, तो ये थोड़ा गलत हो गया बट स्टिल इट वॉजेंट अ बैड परफॉर्मेंस। मैं इसको 7 out of 10 दूंगा क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसके बाद कंटिन्यूअस कुछ ग्रीन कैंडल्स आई है, तो इसलिए 3 लाइन स्ट्राइक उन्होंने समझ लिया होगा, बट दिस रिक्वायर्स एन अप ट्रेंड। चलो 6 दे देते हैं, 7 थोड़े ज़्यादा हो गए, जाने तो कोई बात नहीं। तो एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड जिसके बाद 3 सिमिलर लुकिंग कैंडल्स, रेड कैंडल, फिर उसके बाद ग्रीन जो होगी मिनिमम 50% या फिर 50% पोर्शन को कवर करेगी। गॉट इट? नेक्स्ट एग्जांपल, हैमर। दिस इज राइट और रॉन्ग, येस और नो, सही है गलत है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड था, कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक अप ट्रेंड एस्टैब्लिश हो गया। यहाँ पर अप ट्रेंड एस्टैब्लिश होने से पहले एक हैमर हमें नोटिस हुआ, हैमर के बाद एक ग्रीन कैंडल आई जिसके बाद मार्केट अपवर्ड मूव किया। 10 out of 10 जिसकी भी ड्राइंग है, जिसने भी ये सबमिट किया है, 10 out of 10, गुड जॉब। नेक्स्ट एग्जांपल, एम पैटर्न, एम मॉर्निंग डोजी स्टार पैटर्न। सो एज यू गाइस कैन सी हियर, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड था, ठीक है, डाउन ट्रेंड था जिसके बाद इन्होंने जो पैटर्न बताया है, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट हियर फॉर यू गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर जो बताया, दिस इज 1 कैंडल, फिर उसके बाद डोजी एंड देन अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है, मॉर्निंग डोजी स्टार, येस और नो, ठीक है। इसे भी मैं लेट्स से 9 out of 10 दे देता हूँ, गुड जॉब, ठीक है। दिस इज इन्वर्टेड हैमर, बहुत ज़्यादा सिंपल है ढूंढना, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था। सबसे बढ़िया चीज़ जो इन्होंने की है, दिस इज़ कि इन्होंने पूरे चार्ट के साथ भेजा है मुझे कि पहले क्या हो रहा था और बाद में क्या हो रहा था, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा साइडवेज मार्केट है वो मुझे जूम करके इतना ही दिखाते हैं जहाँ पर उनको हैमर या इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है, ठीक है। मेक श्योर टू सेंड मी पिक्चर्स लाइक दिस जहाँ पे पुराना ट्रेंड भी मुझे दिख रहा हो, ठीक है। सो यहाँ पर हमें डाउन ट्रेंड दिख रहा है जिसके बाद एक इन्वर्टेड हैमर आया जिसके बाद रिवर्सल आया, 10 out of 10,
ओके, दिस इज ऑल्सो सेंट बाई समवन, इसके पीछे कौन सा रीजन था आप मुझे बताइए. दिस इज बुलिश एंगल्फिंग, आप लोगों को दिख रहा होगा, दिस इज बुलिश एंगल्फिंग. वेरी नाइस, 10 out of 10 ऑन दिस वन जिन्होंने भी भेजा. बट इसके साथ अगर आप लॉन्ग टर्म मूवमेंट देखते थे, हम यहाँ पर एक और कन्फर्मेशन ढूंढने की कोशिश करते थे, कोई सपोर्ट था, कुछ था, कुछ नहीं था जहाँ से ये रिवर्सल ले सके. सो दैट इज़ अबाउट डेट, ये भी एग्जाम्पल हो गया. अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं. दिस इज अगेन आप एंट्री पॉइंट, ये किसी ने भेजा, वेरी नाइस. दिस इज मॉर्निंग डोजी स्टार, आप यहाँ पर अगर देखो, मैं पहले आप लोगों को जूम करके बता देता हूँ, ठीक है. दिस इज द परफेक्ट मॉर्निंग डोजी स्टार, यहाँ पर आप देख सकते हो एक रेड कैंडल आई, उसके बाद एक डोजी आई है, एंड उसके बाद जो हमारी ग्रीन आई है, इट कवर्ड 50% ऑफ दिस कैंडल, एंड फिर ये एक अपवर्ड मूव दे रही है. तो दिस इज अ मॉर्निंग डोजी स्टार. आई होप आसानी से समझ आ गया, सारी चीजें समझ गई है, सारी चीजें नोट कर ली है, मैंने एग्जांपल्स ले लिए, सारी चीजें नोट कर ली. आई नीड मोर एनर्जी. एंड अगर आपको आज का भी क्लास हमेशा की तरह पसंद आया हो, एंड दैट इज अबाउट ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू सो मच. पूरा द पीस आउट, नॉट पिस आउट, पीस आउट, PEACE. Thank you so much. I love you all. Peace out. Bye-bye.